प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, प्रेस दी बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशन। आज हम बनाएंगे मैकडोनल्ड स्टाइल मैकपफ। ये इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डो। उसके लिए चाहिए 2 कप मैदा, उसमें हम मिलाएंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 कप तेल। इसे मिला के अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा मैदा अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब इसमें हम एकदम चिल्ड वाटर मिलाएंगे, क्योंकि इसका हमें जो डो चाहिए होता है सख्त चाहिए होता है, इसलिए एकदम चिल्ड वाटर से हम डो लगाएंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा डो बन के रेडी है। इसे हम आधा घंटे के लिए गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच ऑर्गेनो, 1 चम्मच मिक्स हर्ब, 2 बड़े चम्मच केचप, 1/2 कप गाजर, 1/2 कप टमाटर जिसके बीज निकाल लिए, 1 टमाटर, 1/2 कप प्याज, 1/4 कप कॉर्न और 1/2 कप मोजरेला चीज़। एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप शिमला मिर्च डालेंगे, 1/2 कप गाजर डालेंगे, 1/4 कप कॉर्न डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी सब्जियां पक चुकी है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच ऑरिगैनो, 1 चम्मच मिक्स हर्ब, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1/2 नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टमाटर। ध्यान रहे टमाटर के बीज निकालने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी फिलिंग बनके रेडी है। अब हम इसे एकदम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे चीज़। अब हम इसमें मिलाएंगे चीज़। ध्यान रहे फिलिंग एकदम ठंडी होनी चाहिए। चीज़ मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा डो सेट हो चुका है।
अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लें। इसकी रोटी बेलें। स्केल की सहायता से इसे 9 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा लेंगे। आप इसे चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। ऐसे ही हम सारे शीट्स बना के तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर पानी लगाएंगे। ये आपको मैं 2 शीट के ही बना के बता रही हूँ, आप ऐसे सारी प्रिपेयर कर लें। अब इसमें थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे। फिलिंग एकदम बीचों बीच डालनी चाहिए और किनारों पे खाली रहना चाहिए जगह। और इसे दूसरी शीट से ढक देंगे। और अच्छे से इसको बंद कर लें। और एक कांटे की सहायता से इसमें डिज़ाइन बना लें। ये डिज़ाइन बन जाती है और इससे हमारे किनारे भी अच्छे से चिपक जाते हैं। ये देखिए मैंने 3 बना के तैयार किए हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रीज में लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे तेल गरम करेंगे। तेल एकदम मीडियम होना चाहिए और उसमें हमारे बने हुए मैक पफ डालेंगे और अच्छे से इन्हें धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकेंगे। धीरे धीमी आंच पे पकाएं जिससे ये अंदर तक सिक जाए, हमारा मैदा कच्चा ना रहे। अब देखिए ये गोल्डन हो चुका है एक साइड से, अब इसे हमने पलट दिया। हमारे मैक पफ बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। मैक पफ रेडी है, इसे आप केचप के साथ खाइए। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe Miss Pooja Cooking and don't forget to press the bell icon.